लाइसेंस है आपके पास? यस है। हाउ ओल्ड आर यू? 17 इयर्स ओल्ड। 17 साल के हो? जी सर। 17 साल में कहाँ से लाइसेंस बन गया तुम्हारा भाई? बन गया सर तुम्हारा। दिखाइए आप लाइसेंस, दिखाइए अपने। इसको रखो, ये लाइसेंस आपका ये वैलिड नहीं है इसके लिए। ये 50 सीसी से कम गाड़ियों के लिए है, बिना गियर की 50 सीसी से कम, 50 सीसी इंजन से कम। कौन सी गाड़ी चल रही है अभी बताइए। आपको बता दें, हम वर्तमान में जितने भी ये 50 सीसी वाले लाइसेंस है, 50 सीसी इंजन वाले लाइसेंस है, वो सब इनवैलिड हो गए, क्योंकि कोई भी अपने यहाँ पूरे देश में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं चल रही है जो 50 सीसी से कम इंजन की हो। ठीक है, ये लाइसेंस पूरी तरीके से आपका इनवैलिड हो गया। ठीक है ना? तो आप जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हो तब तक आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और लाइसेंस से आपका जो है ठीक है ना, समझे ना बेटा? जी सर। लाइसेंस आपका जब बन जाएगा, 18 साल पूरे हो जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद लर्निंग बनेगा, लर्नर्स लाइसेंस, उसके बाद वैलिड लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आप गाड़ी चला के यहाँ मेन रोड में निकलिएगा। ठीक है? ओके सर, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी, पक्का। आपको पता चल गया ना, ये लाइसेंस आपके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, अब जब भी आप आइए तो मुझे जब मिलिए मुझसे, हमेशा जो है शानदार अपना वैलिड लाइसेंस दिखाइए आप। ये देखो छोटू, ये देखो, इन्होंने एक गलती की है, इनका जुर्माना तो करवाऊंगा मैं, 3 सवारी हैं ये, लेकिन इनका जो लाइसेंस है वो वैलिड है। ठीक है ना, इनका लाइसेंस जो है वो वैलिड है। ठीक है, ओके सर। इसमें ये लिखा रहेगा आपका 50 सीसी का बना हुआ है, समझ गए आप? दोबारा आप मुझे ऐसे मत दिखाइए, देखिए। ठीक है, जब भी जो है आपको जाना है मोटरसाइकिल में तो किसी भी पापा को जिसके पास वैलिड लाइसेंस है, भैया उनके साथ चलिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अभी 3 सवारी के तुम्हारा जुर्माना होगा, क्यों चल रहे भाई? अरे सर बस यही। कार एंड जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ट्रैफिक कॉप विवेकानंद तिवारी पर। अक्सर ये देखा जाता है कि 16 से 18 साल के बच्चे जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं रहता है, और कभी कभी वो लाइसेंस रखते भी हैं तो वो 50 सीसी इंजन वाला लाइसेंस रखते हैं, जो 50 सीसी से कम इंजन के लिए लाइसेंस बना करता था उस लाइसेंस को रखते हैं। अब आपसे हम सभी से यही अनुरोध है, करते हैं, सबको ये मैं बताना चाहता हूँ, अपने मित्रों को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज अब उस लाइसेंस की कोई मान्यता नहीं रह गई, क्योंकि पूरे देश में 50 सीसी इंजन से कम सीसी की कोई गाड़ी नहीं चलती है, सब उससे ऊपर की चलती है। तो ये लाइसेंस जो बना करता था वो 50 सीसी से कम के लिए, जो लूना वगैरह चलती थी, बिना गियर की गाड़ियां चला करती थी बहुत पहले, जो 50 सीसी उनके लिए ये चलता था, वैलिड माना जाता था। अब जब आप 18 साल के हो जाएंगे, 18 साल के बाद आप अपने RTO में अप्लाई कीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और जब आपका लर्निंग बन जाए उसके 6 महीने बाद जब वैलिड लाइसेंस आपका बनता है, उसके बाद ही आप वाहन चलाएं, तभी सुरक्षित रहेंगे। और कई बार बच्चों का ये पूछना रहता है कि सर क्या रीजन है कि 18 साल के बाद ही चलाना है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो मैच्योर, जो परिपक्वता है वो एक उम्र के बाद ही आ पाती है, तो इसीलिए 18 वर्ष से इसको एकदम रखा गया है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज मेरी बात को समझें और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि डे टू डे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।